हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जो क्लास 12 के इंग्लिश के पोएट्री का सेकेंड लेसन है यूपी बोर्ड का, दी ट्रू ब्यूटी, उसका सेंट्रल आइडिया। जी हाँ गाइज, दी ट्रू ब्यूटी है, इसके लेखक है थॉमस कैरी। ठीक है, यहाँ पे आप इनका फिगर देख सकते हो साइड में। ठीक है गाइज, देखिए इनका जन्म आप यहाँ देख सकते हो और मृत्यु देख सकते हो। इनका जन्म मृत्यु, इनका जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में और इनकी मृत्यु देख सकते हो आप लोग 1639 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है आपको? और यहाँ आप लोग देख सकते हो उनका ये फिगर है। गाइज देखिए, इस लेसन को आप पढ़ोगे काफी इंटरेस्टिंग लेसन है और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इस लेसन से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, खासकर इसका सेंट्रल आइडिया जो फर्स्ट लेसन है और सेकेंड लेसन है। हर साल इनका सेंट्रल आइडिया आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप इन दोनों लेसन का सेंट्रल आइडिया बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। मैं बताना चाहूंगा कि हम फर्स्ट लेसन का, जी हाँ गाइज, फर्स्ट लेसन का सेंट्रल आइडिया पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जो आप लोग का फर्स्ट लेसन है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो सेकेंड लेसन है द ट्रू ब्यूटी, उसका सेंट्रल आइडिया। देखिए गाइज, आप इस लेसन को पढ़ोगे तो काफी आपको इंस्पायर, मतलब काफी इंस्पायर होंगे आप इस लेसन से। देखिए, इसमें बताया गया है कवि के अनुसार, ठीक है, कि मतलब वह व्यक्ति, मतलब सच्चा ट्रू ब्यूटी क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसमें बताया कि जो फिजिकल ब्यूटी है, ठीक है, यानी जो मानव की जो सुंदरता है, वह ट्रू ब्यूटी नहीं है, ठीक है, बल्कि जो चारित्रिक गुण है, ठीक है, किसी मानव का जो चारित्रिक गुण है, ठीक है, लाइक जैसे दूसरों की मदद करना, ठीक है, दूसरों को दुख ना देना, यही सच्ची सुंदरता है एक व्यक्ति की। तो इस आप इस लेसन को पढ़ोगे तो काफी आपको आनंद आएगा। ठीक है, चलिए इसका हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया। उससे पहले थोड़ा इसका हम कविता का हिंदी सारांश देख लेते हैं, दी ट्रू ब्यूटी, इसको लिखे हैं आप लोग देख सकते हो थॉमस कैरी। ठीक है, देखिए कविता का सारांश देख लेते हैं। देखिए, द ट्रू ब्यूटी कविता से कवि थॉमस कैरी कहता है, ठीक है, यहाँ कहते हैं लिखना चाहिए, ठीक है, कि सुंदरता, ठीक है, कि सुंदरता, सुंदर ओठ, ठीक है, सुंदर ओठ, गाल तथा आंखें एक स्त्री को और अधिक सुंदर बनाते हैं, लेकिन ये चीजें नश्वर है। नश्वर यानी मतलब समाप्त हो जाती है, कुछ समय के लिए रहती है, ठीक है, समय के बीतने के साथ साथ ये भी नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत प्रेम, जो आपसी स्नेह तथा मनुष्यों के अच्छे गुणों पर आधारित है, अस्थायी होता है, ठीक है, यानी जो प्रेम होता है मनुष्य की एक दूसरे से, ठीक है, उसके अलावा जो एक दूसरे की मदद करते, ये सभी चीजें अस्थायी होती है, ठीक है, और यही जो होता है ना चारित्रिक सौंदर्य, यह सच्ची सुंदरता है। ठीक है, आप लोग देख, तो चारित्रिक सौंदर्य यही सच्ची सुंदरता है। तो ये तो इस कविता का सारांश था। अब आइए हम इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। देखिए, इसका सेंट्रल आइडिया मैं काफी छोटे में लिखा हूं, ठीक है, काफी लोग बोलते हैं कि सेंट्रल आइडिया बड़ा में लिखना चाहिए तभी फुल मार्क मिलेगा। गाइस देखिए, ऐसी बात नहीं है, अगर बड़ा में लिखना होता तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे लिख देता कि आप इसे 120 वर्ड में लिखो, ठीक है, या 200 वर्ड में लिखो, ऐसे लिख देता, लेकिन कहता है कि आप केवल सेंट्रल आइडिया लिखो। देखिए, सेंट्रल आइडिया आप मतलब थोड़ा ही लिखे, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसे शब्द लिखे कि आप लोग जो कविता पढ़े हैं उसका पूरा का पूरा उसमें निचोड़ा जाए। आप देखिए, इसका जो द ट्रू ब्यूटी है, इसका एक बार हिंदी अनुवाद पढ़िएगा और उसके बाद ये सेंट्रल आइडिया देखिएगा, आप समझेंगे, मतलब आपको ऐसा लगे कि मतलब इस थोड़े से नहीं पूरी कविता की व्याख्या कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए सेंट्रल आइडिया देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, ठीक है, फिजिकल ब्यूटी इज नॉट ट्रू ब्यूटी, ठीक है, मतलब क्या, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, टू द पोएट यानी कवि के अनुसार, फिजिकल ब्यूटी इज नॉट ट्रू ब्यूटी, ठीक है, कवि के अनुसार जो फिजिकल ब्यूटी है, ठीक है, यानी जो भौतिक आपको दिखाई देता है, ठीक है, किसी की सुंदरता, वह ट्रू यानी सच्ची, ठीक है, ट्रू ब्यूटी यानी सच्ची सुंदरता नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज, क्योंकि इट डज नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब यह लंबे समय के लिए नहीं रहती है, ठीक है, जो आप लोग की शारीरिक सुंदरता है यह लंबे समय के लिए नहीं रहती, ठीक है, आप लोग का देखिए, जैसे ही आप मतलब आपकी एज बढ़ेगी, आपकी जो शारीरिक सुंदरता है, ठीक है, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो वही यहाँ बोल रहा है कि इट डज नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब यह लंबे समय तक नहीं रहती है, एंड डिके, ठीक है, वही, एंड डिकेज विथ द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है, और समय के बीतने के, पासेज यानी वही बीतने के साथ साथ खत्म हो जाती है, ठीक है, जो आपकी शारीरिक सुंदरता है यानी फिजिकल ब्यूटी है, ठीक है, वह जैसे जैसे समय आप बीतता है, यानी आप जवान से बूढ़े होते जाते हैं, आपकी जो सुंदरता होती है वह खत्म हो जाती है। इसलिए कवि के अनुसार जो फिजिकल ब्यूटी है, ठीक है,
वह ट्रू ब्यूटी नहीं है, क्लियर है आपको, वह सच्ची सुंदरता नहीं है। लेकिन आगे देखिए, बट लेकिन इनर ब्यूटी, ठीक है, यानी आंतरिक सुंदरता, ठीक है, इनर ब्यूटी यानी वही इनर यानी अंदर, ठीक है, यानी आंतरिक, ठीक है, बट इनर ब्यूटी डैट मीन्स कैरेक्टर, देखिए डैट मीन्स ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, यानी बट इनर ब्यूटी यानी आंतरिक सुंदरता, डैट की डैट मीन्स मतलब ठीक है, दैट मीन्स मतलब ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, यानी चारित्रिक सुंदरता, आपके चरित्र की सुंदरता, कि आपका चरित्र कैसा है, आप दूसरों के बारे में कैसा सोचते हो, ठीक है, ऐसा मतलब ये जो सुंदरता है फॉर, ठीक है, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर लास्ट फॉरएवर, ठीक है, यह जो है हमेशा के लिए आपके साथ होती है, ठीक है, हमेशा आपके साथ होती है, ठीक है। सो द पोएट कॉल्स इज ट्रू ब्यूटी, ठीक है, सो द पोएट कॉल्स इट ट्रू ब्यूटी, इसलिए जो पोएट है, कवि हैं, इसको सच्ची, ठीक है, ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता कहा है, ठीक है, जो आपके अंदर, जो आपके कैरेक्टर का गुण है, ठीक है, जैसे आप दूसरों की मदद करना, ठीक है, दूसरों से हीन भावना न रखना, ये सब आपके कैरेक्टर की ब्यूटी है, और यही मतलब ट्रू ब्यूटी है, क्योंकि यह मतलब आप चाहे बूढ़े हो जाए, ठीक है, चाहे मतलब एकदम अलस्त हो जाए, चल ना पाए, फिर ना पाए, ठीक है, तब भी यह आपके साथ रहती है। जैसे आप APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए, आज भी मर गए हैं, ठीक है, उनका डेथ हो चुका है, लेकिन आज भी उनका मतलब जो भी लोग हैं उनका काफ़ी सम्मान करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया, उनका चरित्र ऐसा था, ठीक है। तो वही कह रहा है कि फिजिकल ब्यूटी जो है, शारीरिक केवल सुंदरता जो है, सच्ची सुंदरता नहीं है, ठीक है, जो कैरेक्टर ऑफ ब्यूटी है, ठीक है, यानी जो चरित्र, आपके चरित्र की सुंदरता है, कि आप मतलब दूसरों के बारे में कैसे सोचते हो, दूसरों की हेल्प कैसे करते हो, ठीक है, यह आपकी मतलब सच्ची सुंदरता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यह सेंट्रल आइडिया एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और अच्छे से पढ़ देता हूँ, आप लोग देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दी पोएट फिजिकल ब्यूटी इज नॉट ट्रू ब्यूटी बिकॉज इट डज नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एंड डिके विथ द पासेज ऑफ टाइम, बट इनर ब्यूटी दैट मीन्स ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, लास्ट फॉर इवर, ठीक है, सो द पोएट कॉल्स इट, ठीक है, ट्रू ब्यूटी। तो ये था आप लोग का जो सेकेंड लेसन था, द ट्रू ब्यूटी, इसका सेंट्रल आइडिया मैंने काफ़ी छोटे शब्दों में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसको लिख देंगे, फुल आपको मार्क मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर जी इतना है हमें फुल मार्क मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा फुल मार्क, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बस आपका ये सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गया, आई होप आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो रहने देते इस वीडियो में, और कहीं अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन निलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे आपको काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो बस थैंक यू।